मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से पुराण, शास्त्र और ग्रंथ हैं जो मनुष्य को सही दिशा की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जिसमें अच्छे बुरे और सत्य असत्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि शिव पुराण में कुछ पापों के बारे में भी उल्लेख मिलता है, जिसकी सजा स्वयं शिव जी देते हैं। तो कौन से हैं वो पाप, आइए मिलकर जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, कौन से हैं वो सात घोर पाप जिन्हें करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कठोर दंड देते हैं। पहला, बुरी सोच या दुर्भावना। आपने भले ही अच्छे कर्म या वचन से किसी को परेशान न किया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप की श्रेणी में आता है। किसी के बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप किसी के बारे में गलती से भी गलत न सोचें, और तो और कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना न रखें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना जीवन मुश्किल में डाल सकते हैं। दूसरा, धन से जुड़ी धोखेबाजी। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि किसी मनुष्य के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना भी महापाप है। बहुत से लोग लालच आने पर अपने करीबियों को ठग लेते हैं। किसी भी मनुष्य की धन संपत्ति के प्रति बुरी नजर रखना आपको भी पाप का हिस्सेदार बनाता है। अब कोई भी इंसान हो, वो अपनी मेहनत और लगन से ही धन जोड़ता है, और उसके पैसों के साथ हेराफेरी करना बहुत बुरा माना गया है। ऐसा करने से आपको मृत्यु के बाद नरक में जगह मिलती है। हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का ही प्रयोग करे। और अगर आप भगवान शिव के क्रोध का सामना नहीं करना चाहते, तो अगर गलती से भी ऐसा कोई विचार आपके मन में आए तो उसे तुरंत हटा दें। तीसरा, किसी से शादी तोड़ने का प्रयास। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई स्त्री या फिर पुरुष किसी दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालता है, तो भगवान शिव उसे कभी माफ नहीं करते। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, ऐसे लोग भी पाप के भागीदार बनते हैं। और जो भी लोग अपने रिश्तों में निष्ठा और वफादारी नहीं रखते, उनको भगवान खुद सजा देते हैं। चौथा, गर्भवती के साथ गलत व्यवहार। मित्रों, जो मनुष्य किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी स्त्री को उल्टा सीधा बोलता है, तो उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक घोर पाप माना गया है। भले ही वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, कभी भी किसी महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री से गलत व्यवहार करने से उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महाकाल स्वयं कठोर दंड देते हैं। पांचवा, गलत अफवाह फैलाना। मित्रों, आपने कई बार लोगों को किसी मनुष्य या फिर धर्म के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाते देखा होगा। ऐसे लोग भी भोलेनाथ के क्रोध का शिकार बनते हैं, और ऐसे लोगों को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। किसी व्यक्ति के पीछे उसकी बुराइयां करना और समाज में उसकी छवि को हानि पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। इसीलिए आप भूलकर भी ऐसा न करें। छठा, धर्म के खिलाफ काम करना। अब मित्रों, जो इंसान धर्म के खिलाफ अपनी मर्जी से काम करता है, वो भी पाप का भागीदार बनता है। और जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है, उसे भी स्वयं शिवजी दंड देते हैं। ऐसे कोई भी काम करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य माना गया है, वो पाप कहलाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में ना जाना पड़े, तो आपको ऐसे कामों से दूर ही रहना चाहिए। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में शामिल है, और इन्हें महापाप की श्रेणी में रखा गया है। सातवां, किसी का अपमान करना। मित्रों, शिव पुराण की माने तो जो इंसान अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी या फिर घर के बुजुर्गों का अपमान करते हैं और उन्हें गलत अनाप शनाप बोलते हैं, तो ऐसे मनुष्य भी हमेशा दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद परलोक में भी छोटी से छोटी चीजों के लिए तड़पना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमजोर इंसान का अनादर करना आपको शंकर जी के क्रोध का पात्र बनाता है। इसीलिए हमेशा सभी का सम्मान करें। तो मित्रों, आज हमने जाना शिव पुराण के अनुसार उन सात पापों के बारे में जिनकी सजा खुद महाकाल देते हैं। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ।
तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।